वॉट इज दिस? आज का वेदर बहुत प्यारा है और अभी हम कोलोसियम की तरफ वॉक करके जा रहे हैं। वेदर अराउंड 30-34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऐसा कुछ था। ये रास्ते में कुछ सोवेनियर्स वाले शॉप दिख रहे हैं, यहाँ पे आप फ्रिज मैग्नेट्स या फिर ऐसा कीचन ऐसा कुछ गिफ्ट के लिए ले सकते हो। यार इटली में रास्ता क्रॉस करना एक बड़ा चैलेंज है। आप अगर सही अपॉर्चुनिटी देख के नहीं एंटर करते हो तो आप वेटिंग ही करते रहोगे। ई स्कूटर्स, ये चीज़ भाई हमने बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी है रोम में। आप जगह जगह पे ई स्कूटर्स देख सकते हो। आप जस्ट इसको स्कैन करके अनलॉक करो एंड जस्ट गो फॉर द राइड। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक एक यूरो लगता है आपको अनलॉक करने में और उसके बाद हर मिनट के बेसिस पे इसका चार्ज रहता है। चलो आइए आगे बढ़ते हैं कोलोसियम की तरफ। और ये रहा कोलोसियम, जस्ट उसके सामने पहुंचे हैं। और आप व्यू देखो यार, ये है एक 7 वंडर में से एक, जबरदस्त। ये जगह पे ना कुछ एक अलग वाइब है यार, देखो। देख सकते हो यहाँ पे ये जो सारे लोग लाइन में रुके, और ये लाइन है टिकट खरीदने के लिए। अभी इनका नंबर कब आएगा पता नहीं। और ये यहाँ तक ही नहीं है, यहाँ से आगे दूर तक ये लाइन जाती है पीछे दूसरी तरफ। तो यार जब भी आना ऑनलाइन टिकट बुक करके आना, यहाँ पे टिकट का तो ये हाल है। आपके पास टाइम है तो ठीक है। ये हमारी सवारी, चलो यार। कोलोसियम तो हमने बाहर से देख लिया, हमें अंदर जाने के लिए टिकट नहीं मिल पाई, आपको भीड़ दिखाई मैंने। फिलहाल हम आगे पहुंच रहे हैं, आगे एक बहुत अच्छा स्कल्पचर है, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, तो फिलहाल वो दिखाते हैं। कोलोसियम को देखने के लिए हम वापस रात में आने वाले हैं, नाइट व्यू आपको दिखाएंगे। अगेन मैं वापस कह रहा हूँ, टिकट करके ही आना कोलोसियम का। हमें टिकट नहीं मिली, हम अंदर नहीं जा पाए, तो दूसरा अटेम्प्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल इस ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय करते हैं। रोम में ना एक अलग वाइब है, ये आपको एक अलग एरा में लेके जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं कोलोसियम के नाइट व्यू के व्लॉग में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए गुड बाय।